आप देख रहे हैं पिछड़ा समाज को जो अंग आरक्षण हमें संविधान में मिला है, आजादी के बाद कई वर्षों तक कई तरह के आयोग बनते रहे, बीपी मंडल आयोग बना, तब जाके पिछड़ा समाज को उसका अधिकार मिला। 1990 में आयोग बना, तब 25 वर्ष लग गया, लेकिन आज जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए आरक्षण सिर्फ 3 महीना में बनता है और 3 महीना में पूरे देश में लागू हो जाता है। 85% जिसकी आबादी है उसके लिए मात्र 49% आरक्षण की व्यवस्था है, जिसकी आबादी 15% है उसके लिए आरक्षण 50% पहले से थी और 10% आज। आज जो पिछड़ा समाज का बेटा है, बेरोजगार है, उसको नौकरी नहीं मिलती है। आरक्षण जब आप नौकरी करेंगे, पढ़े लिखे नौजवानों, आप देखते हैं जब वैकेंसी निकलता है तब बढ़ के निकलता है, तो जो पिछड़ा का बेटा है उसको नौकरी नहीं मिलती है क्योंकि उसको उसका नंबर कम होता है। आज यूपीएससी का रिजल्ट निकला है, 95% लाने वाला पिछड़ा का बेटा नौकरी नहीं कर पाया है, लेकिन 85% जो आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग के लोग हैं जिनकी आमदनी 12 लाख सालाना है उसके बेटों को नौकरी मिली है। नीतीश कुमार और मोदी सरकार ने आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। आने वाला समय में दलित समाज और पिछड़ा समाज के बेटा को नौकरी नहीं मिलने वाली है, इसीलिए अगर आरक्षण बचाना है तो आपको लालू यादव और तेजस्वी यादव ने जो नारा दिया है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, बांट दो आरक्षण को, जिस समाज की जितनी हिस्सेदारी हो, जिसकी जितनी आबादी है उतनी उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसीलिए आज तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि पूरे बिहार में जो बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है, अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो पहला कैबिनेट का बैठक होगा, उसमें हम पूर्णतः आरक्षण को लागू करेंगे और 10 लाख बेरोजगारों को हम पहला कैबिनेट की बैठक में हम रोजगार देंगे। क्योंकि कोरोना से लेकर के आज तक आप देख रहे हैं जो मजदूर है वो उनकी स्थिति बद से बदतर हो रही है। आज अपना क्योंकि बाढ़ का इलाका है, पूरे इलाका में बाढ़ आती है, यहाँ का किसान बदहाल हो गया है। अंग्रेज के जमाने में नारा होता था उत्तम खेती मध्यम बाग निषिद्ध चाकरी और भीख निदान, सबसे अव्वल नंबर पर खेती थी, दूसरा नंबर पर वाणिज्य था, व्यापार था, और चाकरी तीसरा नंबर पर था। लेकिन आज तीसरा नंबर एक नंबर हो गया है और जो एक नंबर पर खेती थी वह तीसरा नंबर हो गया है। इंजीनियर अपने बेटा को इंजीनियर बनाना चाहता है, डॉक्टर अपने बेटा को डॉक्टर बनाना चाहता है, लेकिन कोई किसान अपने बेटा को किसान नहीं बनाना चाहता है। क्यों? आज वही किसान टूट रहा है, किसान से टूट के मजदूर बन रहा है, जो दैनिक मजदूरी का काम करने वाला कोई और नहीं है, वो किसान का बेटा है जो दिन रात मेहनत करता है, घाटे का सौदा करता है, गरीब हो रहा है, जो किसी राजमिस्त्री के साथ जाता है दैनिक मजदूरी करने, 500 रुपये पर 3 मंजिला मकान पर चढ़ता है, सीमेंट लेके, गिट्टी लेके, बालू लेकर के, वो कोई और नहीं है, वो किसान का बेटा है जो गरीब हो गया है। खेती की यह स्थिति है यहाँ, जो हमारे मत्स्यजीवी समाज है, आज बाढ़ आती है उनका भी फसल यहाँ दह जाता है, मछली को बर्बाद हो जाता है, बेचारा रोजगार करता है, कर्जा लेकर के खेत पोखरा में जीवरा देता है, लेकिन बाढ़ आती है उनका जीवरा भी समाप्त हो जाता है, कोई देखने वाला नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार में कोई योजना न किसानों के लिए है, न मत्स्यजीवी समाजों के लिए है, इसलिए हम
आप तमाम लोगों से हम आग्रह करते हैं कि नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने का आप तमाम लोग संकल्प लीजिए। जब तक ये नीतीश कुमार रहेंगे तब तक न किसानों का भला होने वाला है, न मत्स्यजीवी भाइयों का भला होने वाला है, न गरीब गुरबा भाइयों का भला होने वाला है। इसीलिए आज नौजवान तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो जो गरीब बुढ़वा बूढ़ा बुढ़िया का पेंशन 400 रुपया है उसको हम 1000 करेंगे। किसानों का हम कर्जा माफ करेंगे। जो नियोजित शिक्षक है उनको हम समान काम और समान वेतन देंगे। इसीलिए हम तमाम नौजवानों से हम आग्रह करना चाहते हैं कि चौथी विधानसभा क्षेत्र के वो एक हीरा और रत्न अब्दुल बारी सिद्दीकी के रूप में मिला है, इसीलिए आप लोग यहाँ इनको अधिक से अधिक मतों से यहाँ कामयाब कीजिए और इनको यहाँ से जिता के भेजिए। चुनाव के दिन सारा काम बंद कर दीजिए, उस दिन आप सिर्फ चुनाव पर ध्यान दीजिए। आपका एक ही काम उस दिन होगा, अधिक से अधिक लोगों को आप मतदान केंद्र पर ले जाइए और वहाँ ईवीएम के मशीन में सबसे ऊपर में अब्दुल बारी सिद्दीकी का एक नंबर में नाम है, उनके नाम के सामने आप लोग बटन दबा करके इनको अधिक से अधिक मतों से यहाँ से आप जिता करके भेजिए। एक बार मेरे साथ आप लोग नारा लगाइए, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। हम कहेंगे अब की बारी तो आप लोग कहिएगा अब्दुल बारी, अब की बारी, अब की बारी, जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता।